सो गाइस, आज के इस वाली वीडियो के अंदर आप लोग बात करने वाले हैं उज्जवल भाई के बारे में। तो आप सभी लोगों की यार उज्जवल भाई से हमेशा ये डिमांड रहती है कि यार वो फ्री फायर क्यों नहीं खेलते हैं, मतलब एटलीस्ट एक लाइव स्ट्रीम तो कर दे यार। तो उज्जवल भाई ने इसी के बारे में यार अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम के अंदर बात करी थी, जो कि आप सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा था। बाकी यहाँ कोशिश करेंगे यार, मेरे को ना बहुत ज्यादा आप लोग की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि यार फ्री फायर की भी एक स्ट्रीम करो। करते हैं यार फ्री फायर की, मैं सोच रहा हूँ वीडियो डालूं स्ट्रीम से बढ़िया। और मैं पहले यार फ्री फायर में एक चीज देख रहा था, मैं पहले वो करता था, मतलब बिना वो जो उसमें होता है ना, क्या होता है, अरे यार बताओ ना, जो ऑटो एम वाला होता है उसमें, ऑटो एम नहीं मतलब कि थोड़ा एम असिस्ट जो होता है उसमें, मैं नाम उसका सही से याद नहीं आ रहा, मैं उसे ऑफ करके खेलता था यार। और फिर मेरे को ऐसे उस दिन अज्जू भाई ने भी बताया, इसे ऑन कर लो भाई वरना बंदे नहीं पिटेंगे। तो फिर जब मैंने ऑन करा ना भाई साहब, फिर तो जो किल निकले मजा आया था। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब फ्री फायर की भी स्ट्रीम करी जाए, मजा आ रहा था भाई उसके बाद तो। वरना तब तक हो रहा था भाई ऐसे लग रहा था एनिमी बड़े डेंजरस है, मैं ही नूब हूँ यहाँ पर। जैसे ही वो ऑन हुआ फिर तो जो भाई फूटे हैं बंदे, मतलब हाँ मैं ऐसा नहीं था कि मैं बस पीटे जा रहा था, मैं भी पीट रहा था पर मैं मार भी रहा था। सो जो गाइस उज्जवल भाई ने ये एम असिस्ट वाली बात बताई है यार, ये पबजी में तो होता है भाई। फ्री फायर मैंने बहुत पहले खेला था, जब ये गेम आया था यार तब तो शायद यार इसके अंदर ये चीज नहीं था, पता नहीं बाद में ऐड कर दिया होगा, अगर बाद में करे तो भाई मुझे कमेंट में बता देना। पहले तो यार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल गेम था, और साथ में यार इसके अंदर तो भाई भाग कर गोलियां भी नहीं चला सकते थे, मतलब ऐसे मूवमेंट कर गोलियां नहीं चला सकते थे, बस रुक कर एक दो जगह खड़ कर ऐसे गोली चलानी पड़ती थी। क्या अभी भी ऐसा होता है इसके अंदर भाई, मुझे नीचे कमेंट लिखकर जरूर से बता देना। सो गाइस बस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर रही है तो भाई इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई प्लीज इसे कर लो, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना।